गांधी और अखिलेश यादव, एक समय था जब ये दोनों यूपी के दो लड़कों के नाम पर शुमार हुए थे, जब साथ थे। वक्त था 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव का। दोनों ने खूब रैलियां की थी, जनता से खूब लुभावने वादे किए थे, जनता को अपने साथ होने का भरोसा दिया था। लेकिन जब इस साथ का रिजल्ट निकला तो दोनों ने एक दूसरे से हाथ छुड़वा लिया और अपनी अपनी राह बनाने में जुट गए। और अब चल रहा है साल 2023, जो कि कुछ दिन में ही खत्म होने वाला है, और फिर आएगा 2024। 2024 में होगा लोकसभा चुनाव, और अब इस लोकसभा चुनाव के लिए ही तो विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया था। 28 दलों ने साथ आकर नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का ख्वाब बुना। लेकिन ये क्या, यहाँ तो आपस में ही भिड़ंत हो गई। अखिलेश और राहुल गांधी में से लोकसभा चुनाव का पीएम चेहरा कौन होगा, इसको लेकर ही बहस छिड़ गई। पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को देश का भावी पीएम बताने के पोस्टर लगाए गए। फिर इनके तुरंत बाद कांग्रेस मुख्यालय के बाहर राहुल गांधी को 2024 में पीएम बनाने के लिए पोस्टर लगा दिए गए। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि अभी तक जिन लोगों ने धैर्य रखा हुआ था, पीएम चेहरे के सवाल पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ जब राहुल हो चाहे अखिलेश, सब पीएम पद पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो फिर बाकी जो दल हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करने में मेहनत की, उनका क्या, उन्होंने भी तो पीएम बनने का सपना देखा है। लेकिन इस सब बात की परवाह किए बगैर यूपी के ये दो लड़के पीएम पद की दावेदारी को लेकर आपस में भिड़ गए। अभी कुछ दिन से तो कांग्रेस काफी आक्रामक तरीके से समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ी है। दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के लिए हर रोज कीचड़ उछाल रहे हैं। शायद दोनों ये बात समझ रहे हैं कि दोनों एक साथ एक म्यान में नहीं रह सकते। साथ रहकर राजनीति नहीं कर सकते अखिलेश राहुल। कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जान गई है कि अगर हिंदुस्तान के पीएम की गद्दी पर राहुल गांधी को बैठाना है तो पहले यूपी से सपा को गिराना होगा, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि सपा यूपी की बहुत मजबूत पार्टी है। यूपी में कांग्रेस का पूरा वोट बैंक सपा और बीजेपी को ही तो शिफ्ट हुआ है। ये भी एक वजह है जो कांग्रेस अब सपा को कमजोर करने की ठान चुकी है। पुरानी पार्टी होने का ध्वस जमा रही कांग्रेस। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात का बहुत गुरूर है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। और फिर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने के बाद से अजय राय भी कुछ ज्यादा ही उत्साह में है। उनका कहना है कि कांग्रेस सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब कांग्रेस की देखा देखी समाजवादी पार्टी का तो यूपी में वर्चस्व रहा है, तो वो तो फिर 80 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी ही। अब ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। मुस्लिम वोटों पर कांग्रेस की नजर। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से सपा का ही रहा है, लेकिन अब कांग्रेस उस वोट बैंक को हथियाने के लिए प्रयास कर रही है। आपने देखा ही होगा कि किस तरह से आजम खान के जेल जाते ही अजय राय सीधा उनसे मिलने पहुंच गए थे और सपा पर जबरदस्त तंज कसे थे। उसका असर यह हुआ कि अखिलेश दबाव में आ गए। ओबीसी और दलित वोटों को जुटाने में लगी कांग्रेस। सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक तक ही नहीं, ओबीसी और दलितों का भी वोट पाने के लिए कांग्रेस जद्दोजहद करने लगी है। राहुल गांधी ने जिस तरह से महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान संसद में ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी, वो केवल एक नमूना भर था। केंद्र में भी सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने का कांग्रेस ने वादा कर दिया है, और यूपी में दलितों के नए नेता चंद्रशेखर पर तो कांग्रेस डोरे डालती ही रही। ऐसे में सपा के हाथ में तो ये वोट बैंक कभी था ही नहीं, जितना था उस पर कांग्रेस ने अपनी नजर गड़ा दी। वैसे ये जो यूपी के दो लड़कों की जोड़ी अब टूटती दिखी है, ऐसी तो तब भी नहीं टूटी थी जब राहुल गांधी को साथ लेकर अखिलेश यादव की यूपी में हालत खराब हो गई थी। और अब जब इन लोगों ने काफी जोर शोर से गठबंधन वगैरह बनाकर साथ होने का दावा किया, तो यहाँ नया खेल ही खेला जा रहा है। ऐसे में जनता कैसे करेगी इस गठबंधन पर विश्वास? जनता यूपी के दो लड़कों में से किसका चुनेगी साथ? जनता अपने हित के लिए किसको लेगी साथ? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।